Hello friends, welcome to my channel Garden Lover with Gagan. मैं गगन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर फ्रेंड्स. ये जो प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक ट्रेलिंग प्लांट है. मैंने इसको हैंगिंग बास्केट में लगाया है फ्रेंड्स. इसका नाम टर्टल वाइन है. ये एक ट्रेलिंग प्लांट है फ्रेंड्स. ये देखिए, ये बास्केट्स में बहुत अच्छा लगता है. मेरे को ट्रेलिंग प्लांट्स बहुत पसंद हैं. बात करें इस प्लांट की केयर की, तो इस प्लांट को कुछ खास केयर की ज़रूरत नहीं होती. ये सर्कुलेंट टाइप प्लांट है. ये देखिए इसकी लीव्स में पानी भरा रहता है. इसकी लीव्स बहुत हार्ड सी होती हैं, मोटी मोटी सी. इसकी लीव्स में पानी भरा रहता है फ्रेंड्स. अगर आप इसको किसी भी जगह लगा दें, चाहे छोटी से छोटी जगह लगा दें, छोटी सी बॉटल की कटिंग में लगा दें, छोटी सी किसी पॉट में, किसी कप में, या कहीं पे भी आप इसको लगा दें, तो ये थोड़े ही दिनों में उस पॉट को उस कटिंग से भर देगा फ्रेंड्स. ये प्लांट कटिंग से ग्रो हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आप इसको कट कीजिए और इसकी एक दो कटिंग्स लगा दें, मिट्टी में दबा दें, तो ये अपने आप वहाँ से अपनी जड़ पकड़ लेता है और हो जाता है. मैंने एक लगाया भी है, वो बॉटल में लगा हुआ है मेरे गार्डन में बाहर, तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है. थोड़े ही दिनों में ग्रोथ करने लग जाता है, लाइक हफ्ते में इसकी जड़ें पकड़ लेता है. ये सकुलेंट है इसलिए इसको पानी की थोड़ी सी कम ज़रूरत ही होती है. बट मैंने रिसेंटली देखा है कि चाहे मैं इसको पानी 4 दिन दूँ या फिर 4 दिन ना भी दूँ, तो ये अच्छा चलता है. क्योंकि बेसिकली सकुलेंट प्लांट को पानी की कम ज़रूरत होती है, बट इसकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं, ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती हैं. अगर बात करें फर्टिलाइज़र की, तो ये ग्रीन प्लांट है. इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है. आप काउडंग दे सकते हैं अगर आपको चाहिए कि हाँ हमारा प्लांट अच्छा हो. वैसे ग्रीन प्लांट्स के लिए एप्सम सॉल्ट बहुत अच्छा होता है. अगर आप उसको एप्सम सॉल्ट देंगे थोड़ा सा, तो इट विट ये बहुत अच्छी ग्रीनरी देगा आपको. बात करें इसकी सन की, तो इसको अगर आप फुल सन में भी रखते हैं तो भी अच्छा रहता है. नहीं भी फुल सन में रखेंगे, शेडी एरिया में रखेंगे, तो भी अच्छा रहता है. ये बेसिकली गर्मियों का प्लांट है फ्रेंड्स. सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है ये प्लांट. और सर्दियों में इस प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, पर अगर जब गर्मियाँ आती हैं तो ये बहुत अच्छे से बढ़ता है. जैसे मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं इस पर, काफ़ी इस पे फोटोज़ देखे हैं गूगल पे. ये प्लांट बहुत वेल ग्रोइंग करता है, बहुत बड़ा हो जाता है, लाइक बहुत नीचे तक ग्रोथ करता है. जैसे एक हम लाइटिंग लगाते हैं, उसकी लड़ियां लगाते हैं ना नीचे को, वैसे ये लाइटिंग की तरह नीचे को ट्रेल करता है. बहुत बड़ा, बड़ी बड़ी इसकी वाइंस हो जाती हैं और बड़े बड़े इसके हो जाते हैं. बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है फ्रेंड्स. सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड लाइक. जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी केयर कैसे करते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको इसकी नॉलेज अच्छी लगी, नॉलेज लगा कि हाँ ये कुछ नॉलेजेबल है, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Thanks friends, thank you so much.